ये बच्चे कौन सी क्लास के हैं? आप पूछिए, आप कौन सी क्लास में हो? हाँ, जल्दी से अपना नाम और क्लास बताएंगे? आशुतोष क्लास किसको लगता है कि हाँ मैथ्स एग्जाम देना है तो पढ़ना तो पड़ेगा? One thing very interesting, quite contrary to general beliefs, the girls said, I love it. Many girls. I'm saying contrary to general beliefs. Going back to जो सेल्फ समय क्वेश्चन पूछ रहे थे कि अगर हमें चांस दिया जाए कि हम मैथ्स छोड़ के कोई और सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, और एक्चुअली सीबीएसई में ये है, सीबीएसई में ये एग्जेम्पशन दिया हुआ है कि अगर आप मैथ्स नहीं कर सकते, करना नहीं चाहते, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिजायर, वेदर यू वॉन्ट टू डू इट और यू डोंट वॉन्ट टू डू इट, सपोज इफ यू आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग मैथ्स, देन सीबीएसई गिव्स यू एन एग्जेम्पशन इन मैथ्स, कि आप मैथ्स को छोड़ के या तो आप कंप्यूटर्स कर सकते हैं, जैसे वो फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, या म्यूजिक कर सकते हैं, आर्ट कर सकते हैं, होम साइंस कर सकते हैं, आप एक्चुअली सीबीएसई के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। सो सपोज आपके स्कूल में अनाउंस हो जाए कि आप मैथ्स छोड़ के एफआईटी फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर आर्ट म्यूजिक होम साइंस बिजनेस, अगर ये सब्जेक्ट्स आप ले सकते हो तो आप में से कितने लोग मैथ्स छोड़ के दूसरा सब्जेक्ट लेंगे? कौन सा सब्जेक्ट लोगे मैथ्स छोड़ के? म्यूजिक। आप गाना गाते हो? गाने में मैथ्स चाहिए होता है क्या? हाँ? गाने में मैथ्स चाहिए होता है? नहीं? चाहिए, चाहिए। कैसे? टाइम। मैथ्स, मैथ्स जो है वो म्यूजिक में भी अप्लाई होता है। और कोई नहीं सब्जेक्ट चेंज करना चाहेगा? ओके, ओके। अब मैं अपने स्कूल के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ, जो मेरा अभी तक बच्चों के साथ इंटरेक्शन हुआ है इतने सालों में। सर से भी मैंने ये बातें शेयर की थी। सबसे पहले मैं एक स्टोरी से शुरू करना चाहूँगी जो सर से मैंने शेयर की थी। आई रियली लव दैट स्टोरी, और बच्चों को तो वैसे स्टोरी सुनने में मज़ा आता है। तो देयर वाज अ टीचर, मैथ्स टीचर, हु वाज ट्राइंग टू टीच कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन। छोटा सा बच्चा था, कोई भी नाम उसका कह दीजिए, राहुल कह दीजिए। तो राहुल को सिखाना चाह रही थी कि एडिशन क्या होता है, कि हम कभी दो नंबर्स को जब हम ऐड करें। लेट्स कंसीडर रोहित। तो वो बच्चे को बोलती है, रोहित को बोलती है टीचर कि मान लो कि मैंने तुम्हें एक एप्पल दिया और उसके बाद मैंने तुम्हें एक और एप्पल दिया और फिर मैंने तुम्हें एक और एप्पल दिया, कितने एप्पल हो गए? 3। इंस्टेंट आंसर वाज 3, बट रोहित कैलकुलेट करता है, बोलता है 4। उसने ठीक से सुना नहीं है। रोहित ठीक से सुनो, ठीक से सुनो मैं क्या कह रही हूँ। मैंने तुम्हें एक एप्पल दिया, फिर एक और एप्पल दिया और फिर एक और एप्पल दिया, अब बताओ कितने हुए? रोहित देख चुका है कि मैम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है मेरे से, बट वो फिर से कैलकुलेट करता है और फिर से ऐड करके बताता है, मैम 4। अब मैम को समझ नहीं आ रहा कि कैसे सिखाऊं इस बच्चे को, इसे एप्पल पसंद नहीं होंगे, चलो लेट मी ट्राई विद स्ट्रॉबेरीज। कहती चलो
रोहित मैंने तुम्हें एक स्ट्रॉबेरी दी, फिर एक और स्ट्रॉबेरी दी और फिर एक और स्ट्रॉबेरी दी. अब बताओ तुम्हारे पास कितनी स्ट्रॉबेरीज हैं? He quickly says three. So the teacher is very happy. मैंने एक क्रिएटिव स्ट्रैटेजी सर कुछ डिफरेंट आया मैंने क्रिएटिव स्ट्रैटेजी अप्लाई की और मुझे ठीक आंसर मिल गया. बट वो कहीं ना कहीं टीचर को प्रिक कर रहा था कि एप्पल क्यों नहीं कैलकुलेट कर पा रहा. तो वापस एप्पल में चली जाती है कि चलो स्ट्रॉबेरी तो उसने तीन बता दी. नाउ लेट मी रिपीट माय प्रीवियस क्वेश्चन. सो अगेन शी सेज आई गिव यू वन एप्पल अनदर एप्पल अनदर एप्पल. नाउ हाउ मेनी? अगेन ही कम्स. अब बेचारा बड़ा डर लगता है उसे कि अब तो पढ़ने वाला है बट फिर भी बोलता है फोर. नाउ द टीचर सेज मुझे ये बताओ कि फोर एप्पल कैसे होते. देखो स्ट्रॉबेरीज तुमने तीन तो गिन ली थी तो एप्पल फोर कैसे होते? कहता मैम एक एप्पल मेरे बैग में. So it is a very different perspective. So it was beautifully explained that how even if you are talking about maths, जिसमें हम कहते हैं कि बिल्कुल 2 plus 2 is always equal to 4, तो कई बार 5 भी हो सकता है if there is a different perspective. And that made me think कि ये बड़ा अच्छा आइडिया है कि क्लास में भी जब बच्चा गलत आंसर निकाल रहा है तो टीचर बड़े उससे क्रॉस करके जीरो लगा देती है एंड डन. और तब बच्चे जो है वो एक एक मार्क के लिए टीचर से आर्गुमेंट कर रहे होते हैं मैम यहाँ तक स्टेप तो सही है ना, स्टेप के मार्क्स दे दो, हाफ मार्क दे दो, सिर्फ कैलकुलेशन में लास्ट में ही तो गलती नहीं करते हैं हम सब लोग ऐसे. और वो जो हाफ मार्क भी मिलता है बड़ा मजा आता है उसमें कि मेरा हाफ मार्क बढ़ गया क्योंकि एवरी स्टेप इन मैथ्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बट this story made me think कि अगर हम बच्चों को बोलें कि जो तुम्हारा wrong answer भी है, like this teacher asked कि four कैसे हुए, the moment बच्चा जब explain करता है कि process कि मेरे four कैसे हुए, teacher को पता चल जाता है कि गलत कहाँ था. तो सिर्फ वो जो end वाला answer है सिर्फ हमें वही नहीं देखना है, हमें वो process भी देखना है कि वो बच्चे ने wrong answer भी कैसे wrong निकाला. Because only then आप बच्चे को सिखा सकते हो कि आप यहाँ पर गलत थे और उसको ऐसे देखो. And every time we cannot expect perfect answers. We need to understand because this is a very common problem in class 11th and 12th. बच्चे यहाँ पे 10th के भी बैठे हैं. मैं mostly देखती हूँ कि teachers कई बार गलत कर देते हैं. Why? Because this year CBSE में ये वाला method नहीं सिखाया. CBSE में या NCERT में जो method बोला है area निकालने का या कोई भी equation solve करने का specially trigonometry use that method. और बच्चों के मार्क्स कटते हैं which I find it very very wrong कि बच्चे ने आंसर तो निकाल लिया उसने कोई और प्रोसेस यूज किया बट CBSE doesn't allow that. अब as a counselor मेरे पास जब बच्चे आते हैं छोटी क्लासेस से लेके आजकल मैं सिर्फ 9th 10th 11th 12th के साथ डील करती हूं क्योंकि हमारे पास मिडिल स्कूल के लिए अलग काउंसलर है जूनियर के लिए अलग काउंसलर है क्योंकि इतने डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे आते हैं. लेकिन मैंने एक चीज देखी है मैथ्स इज वन सब्जेक्ट which is always a horror in a child's life. और मैंने कई बार इस बारे में सोचा क्योंकि हमारे स्कूल में इस टाइम क्लास 9th में आई थिंक ऑलमोस्ट 20 बच्चे होंगे जिसमें से 19 ने मैथ्स छोड़ दिया. 20 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th who have been diagnosed as learning disability and out of that 19 have already left maths. और जब मैं उनका जब पूरा हिस्ट्री देखती हूँ या मैं जब अदरवाइज जब पेरेंट्स को देखती हूँ अपने आसपास भी अपने फ्रेंड्स को स्टार्टिंग से ही मैथ्स के साथ कुछ एक स्टिग्मा अटैच्ड है. मैथ्स मींस परफेक्ट स्कोर होना चाहिए. इफ यू आर एबल टू गेट अ परफेक्ट स्कोर दैट मींस यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन. अगर मैथ्स में आपके 70 आ गए 80 आ गए मैथ्स में 10 मार्क्स कहाँ चले गए? मैथ्स में तो फुल मार्क्स आते हैं. मतलब अगर फुल मार्क से एक मार्क भी आपका नीचे आया देन यू आर गुड फॉर नथिंग. हां जी सर मैं एक बात कहना चाहूंगा दैट यू नॉर्मल इज अबैंडनिंग द मैथ्स. वो एक बच्चा क्यों मैथ्स पढ़ रहा है हो सकता है वो प्रॉब्लमेटिक हो. आई विल कम बैक टू दैट. आई विल गिव यू 10 रीजंस कि वो एक बच्चा भी क्यों मैथ्स पढ़ रहा है. तो शुरू से ही आई थिंक जो मैथ्स का जो इंट्रोडक्शन होता है वो इसी उससे होता है. पहला इफ यू आर डूइंग मैथ्स यू हैव टू बी परफेक्ट. Now nobody is perfect in this world. अगर 100 में से अगर 90 भी आ गए 80 भी आ गए I think you have good mathematical skills. लेकिन हम as parents as teachers हम उसको appreciate नहीं करते. जो मैंने generally देखा है parents को भी बच्चों को भी
maths means full score, maths means intelligent boy. If I am not able to do maths, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं. जैसे ये क्लास नाइन्थ में अगर कुछ बच्चों को मैथ्स छोड़ना पड़ता है तो वो नहीं छोड़ते. क्यों? क्योंकि बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे. और एक्चुअली मेरे बच्चे भी मजाक उड़ाते हैं, ओ तूने मैथ्स नहीं कर रहा, ओ तू तो आर्ट ही कर रहा है. एंड देन द चाइल्ड डजंट वांट टू लीव. नाउ व्हाई द चाइल्ड शुड लीव मैथ्स? अब जब सिक्स स्टैंडर्ड से एट स्टैंडर्ड तक आप बच्चे को रोक नहीं सकते, तो मैंने ये देखा है कि काफी सारे स्कूल्स में ये होता है कि वो एक पैरेलल पेपर बनाते हैं. कहते हैं कि अच्छा इस बच्चे का मैथ्स बहुत अच्छा नहीं है तो उसको हम एक्स्ट्रा क्लासेस दे देते हैं, मैथ्स का पेपर थोड़ा सा इजी कर देते हैं और उसको हम पास कर देते हैं. प्रैक्टिकली स्पीकिंग नो स्कूल फेल्स एनीबडी टिल क्लास 8. और जो टीचर पूरा साल मैथ्स पढ़ा पढ़ा के थक गया वो भी चाहता है कि अब अगली क्लास में जाए, मेरी क्लास से आगे भी चला जाए, पुश करते रहते हैं बच्चे. और जैसे नाइन्थ में आता है ऑफकोर्स 8 टू 9th वैसे ही जंप होता है. जब बच्चा वो नाइन्थ में परफॉर्म नहीं कर पाता या एट्थ में भी कई बार परफॉर्म नहीं कर रहा इतना अच्छा, तो हमारे जो काउंसलर्स हैं, स्पेशल एजुकेटर्स हैं, वो कई बार समझाने की कोशिश करते हैं कि आप इसका असेसमेंट कराइए. असेसमेंट में वो क्या करते हैं, आपकी बेसिक जैसे सर लेवल्स की बात कर रहे हैं तो उसमें आपका बेसिक मैथ्स टेस्ट करते हैं. इफ दे फील दैट आपका अगर क्लास 8 में है और आपकी मैथमेटिकल स्किल्स जो हैं वो 6th के लेवल की हैं या 5th के लेवल की हैं, तो वो कहते हैं या तो फंक्शनल मैथ्स करो या मैथ्स छोड़ो. अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो कहते हैं मैथ्स छोड़. व्हाट इज फंक्शनल मैथ्स? फंक्शनल मैथ्स दे बेसिकली टीच यू ओनली व्हाटएवर इज नीडेड इन डे टू डे. और बल्कि बड़ा बेसिक मैथ्स होता है उसमें, दे डोंट इंट्रोड्यूस हायर कॉन्सेप्ट्स. उस टाइम पे वो स्ट्रगल शुरू होता है कि सबसे पहले पेरेंट्स के लिए ये प्रॉब्लम आ जाती है कि हाउ कम माय चाइल्ड इज नॉट एबल टू डू मैथ्स. और आई थिंक वहां पर कहीं ना कहीं वो अपने आप में उनकी गिल्ट होता है, उनको लगता है कि मेरी पेरेंटिंग स्किल्स में कहीं कमी थी, माय चाइल्ड, सो समथिंग रॉन्ग विद मी एज अ पेरेंट दैट माय चाइल्ड इज नॉट एबल टू डू मैथ्स. और सबसे सॉरी सर, वो अपनी मार्कशीट इस जन्म अपने बच्चे की मार्कशीट से मैच करने सर वो तो और ज्यादा प्रॉब्लम है. मेरे एक पेरेंट थे जो कि MIT में, उनकी जो बड़ी वाली बेटी है वो प्रोफेसर है, छोटी बेटी भी कहीं वहीं प्रोफेसर है मैथ्स की, वो खुद मैथ्स के प्रोफेसर है. द ओनली सन आफ्टर 3 डॉटर्स वाज फोर्स्ड टू डू मैथ्स, ही कुडंट डू अ सिंगल थिंग. और मुझे आज की डेट में भी लगता है ऐसा नहीं था कि वो बच्चे का न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड नहीं था, लेकिन वो प्रेशर, यू नो एल्डेस्ट सिस्टर इज अ प्रोफेसर इन MIT सो यू कैन अंडरस्टैंड द प्रेशर, he just couldn't do. 10th तक उसे नहीं छोड़ने दिया और 11th में भी वो लगा रहा, नहीं छोड़ने दिया. लास्ट में जाके किसी तरीके से आई वाज एबल टू कन्विंस द फादर कि इट्स ओके टू बी अ प्रोफेसर ऑफ समथिंग एल्स इफ नॉट मैथ्स. तो अब फाइनली जाके 12th में उस बच्चे ने मैथ्स छोड़ा. कैन आई ऐड अ पॉइंट? सो all the research that has happened in the siblings case, right, ke ek bada bachcha ek chhota bachcha, you tend to see ke dono bachche bade different hote hain, same genetics, same, you know, siblings up, don't have the same genetics, but you know the genetic material is still the same, it is coming from both the parents and from the tree, right, and the environment is also the same, but they end up being very very different. And so much of research has found that when a child is one child, the older child has carved a place in one direction, the other child tries to do it in different direction and try to make a place in a different direction. Sometimes they try to take a different place, but sometimes I think wo pressure itna internalize kar lete hai na. पेरेंट्स कहते हैं हम तो बिल्कुल भी मैम प्रेशर नहीं देते अपने बच्चों, लेकिन जब वो रिलेटिव्स के साथ बैठे हैं टीचर्स के, मैम इसकी बड़ी सिस्टर ने तो बड़ा अच्छा किया. आई हैड अ केस, ही अंडरवेंट डिप्रेशन, टोटल डिप्रेशन, बिकॉज़ द सिस्टर टॉप द स्कूल एंड ही वाज नॉट एबल टू क्लियर एनी एग्जाम. मतलब कि उसकी इतनी बुरी हालत थी कि साइकेट्रिक हेल्प लेनी पड़ी एंड ही सेड कि मैं एग्जाम नहीं दूंगा. किसी तरीके से एग्जाम दिलाया उसे और एंड नॉट ही हैज पास्ड इन क्लास 12. तो वो जो प्रेशर जो इंटरनलाइज कर लेते हैं, see if they are trying to create a place for themselves, I will take it as a very positive strategy.
Yeah. But suppose if they internalize this thing that whether I will be able to reach up to that level or not, the thing is gone. They will never be able to reach up to a height. क्योंकि वो इतना छोटी छोटी बातों पे उनको इतना ज्यादा कंपैरिजन शुरू हो जाता है दैट दे आर नॉट एबल टू. सो आई थिंक एज फार एज मैथ्स इज कंसर्न वो बचपन से ही जो पेरेंट्स से शुरू होता है कि थोड़ा सा डरावना कई बार पेरेंट्स जो है वो खुद ही मैथ्स का उनको फोबिया होता है तो कई बार वो ये चीजें ओपनली बोलते हैं बच्चों के साथ कि यू नो मेरे टाइम पे मैं बिल्कुल बहुत डरती थी मैथ्स से बट आई वॉन्ट हिम टू डू वेल. तो आपने ये तो बता ही दिया कि मैथ्स इज समथिंग टू बी स्केयर्ड ऑफ ना. अगर मैं डरती थी तो भैया बच्चा भी तो डर सकता है, बच्चे ने क्या किया. सो वो एक एक्चुअली मैं सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट चाइल्ड साइकोलॉजी मैं अपनी एक्सपीरियंस बताता हूं कि यू नो देयर इज समथिंग वेरी अनरोमांटिक अबाउट मैथ्स फॉर अ चाइल्ड इन व्हेन एट एज व्हेन दे आर वेरी इमेजिनेटिव. तो उस फेज में आई रिमेंबर आई वाज लाइक प्रोबेबली 8 इयर्स ओल्ड एंड वी हैड अ वेरी प्रीटी इंग्लिश टीचर who used to teach us poetry and emotions, feelings, everything. So I was actually in love with my English teacher and I had made up my mind that I'll grow up and marry this lady. And then there was this math sir, I still remember his name, Mr. Tripathi, who was like a terror in the class, okay, and used to keep explaining all these numerical and quantitative concepts. And in my own, that guy was the villain because I thought this man, he's somehow going to fail me because of which I'll never be able to pass an exam and become a success in life and marry my English teacher. So, in that childish world, in my imagination, I was the hero, the English teacher was the hero, and the maths teacher was the villain. And this concept, like, you know, it continued till the time I was ready to get married. And my parents would show me profiles of girls, some girls were very pretty, from very good families, and they would tell me, what's wrong with her, why you don't want to marry her? So, uske profile mein dekha nahi, usne MSc maths mein kiya hua, I can't marry this girl. Because there is something unsexy about it. So I think solution lies also in making, like somebody wrote in that meetup forum, that maths is also creative expression. When you try to remove just that phobia of just being a quantitative thing and teach people how it can expand your way of thinking, and then that's when they will start absorbing maths and taking it and applying it. I totally agree. Like, so actually in some sense, what Meenu is saying is very interesting. It's got nothing to do with maths. Yes. It's got to do with people's ideas of social status, strata, what is a successful life, and so on and so forth. And they're seeing that maths is a way to it. And it has got nothing to do with maths or whatever. And this is something that I want to draw attention to. That, and I say this, I've said this very often, long years ago, what did it mean to be a knowledgeable person? You knew all the four Vedas. So you went Chaturvedi, then Trivedi, then Trivedi, what did count all the Kiran Vedi of course. Then came a time when in the European Renaissance it was knowing Latin and Greek which was important. So if you didn't know Latin Greek, you know, was lingua franca, which was English was not respected and so on. Then came our generation when physics, chemistry, maths became very important. You can go to the IAS, even forest service, physics, chemistry, banking service, physics, chemistry, maths. And that's the mindset which people have. And it's still they have. That's what I'm saying. The educated lot. Surprising. And this is the problem. So basically, then we have to create a message that maths and physics and chemistry are not important. It is now creativity, critical thinking, and problem solving in a general sense which is important. And these specific things are no longer that important. But the problem about human things is that things move on for a while. For example, I say this very often to complete my story. After physics, chemistry, mathematics, what became important? C++, Java, Python, and so on. So that fellow became more important than the physics professor, right? So that has come. And now something else will come, machine intelligence, whatever. So I think parents, see, the problem is that parents are the most ill-informed and pitiable creatures in this. I remember one story, it's a true story. Here is this wife telling the husband, you must come to school for the PTA of the child. And the husband is busy with various things and I can't come, you go and handle it. Finally, she pulls out her Brahmas. She says, tu bachche ke career ka sawal hai. And the husband says, main apna career dekho ki bachche ka career hai. So this is the problem, that parents have no time to listen. And I think one of my beliefs, and that's why we did a couple of sessions, that parents also have to be educated simultaneously. So when we talk about overcoming maths, okay, and that's why to some extent, this is an equally important thing.
That's very true. The message has to go to parents also that things are different. And as I'll show you in some videos, math does not equal to calculation by anything. That calculation part will be done by computers. Math is about ideas and thinking and so on. So that is, I think, the message. And I think that's the wrong message which is going to students, because they feel that math is all about calculation and I cannot do it. My own son, you know, he used to use calculators when he used to work on work. And I came, I said, "Ye kya ho raha?" I said, "Look, ye to calculator se kyun sakta hai, should I?" And when you were saying, you know, E plus MC square, now if you look at SAT ka jo exam, you know, jo aaj bhi wo dene gaye, uska kya hai? Ye English, maths, or communication, comprehension, writing skills, nothing else. Or wo pura formula, SAT ka pattern change kar diya. Humne kya kaha ki hum formulas bhi denge, calculator bhi. You find out the solution. See, it makes sense. I used to teach in IIT. Yeah. We used to give open book exams. So the idea that to say what is in the book without looking at the book was a thing when there were no printed materials available. Books were very expensive, printed, low-cost edition, agatha, and things would be the same for them. The same Jenkins and White with which I studied optics, my uncle had studied with it, and I used the same thing to teach in Canada when I was there, and so on and so forth. But today things are very different. I think the issue that we want to create is, and why we are saying math and the thing, we are actually hoping to transform learning itself. And why we are talking math phobia, it's also the phobia of learning. I said this very often, when you go to a school and see when the school closes, children run out like they were in a jail or torture chamber or something. I mean, you should expect a spectrum. Some of them should be reluctant to go out, some of them should still want to continue, some of them should come before school that they want to go and come something. Why do they see that as a torture? Maths being the biggest torture, but everything else, for people like us, geography was a torture. and it's directly related to their self-esteem. One girl who dropped maths in class 10 now, with great difficulty, because kuch nahi ho raha tha usse maths mein, to badi mushkil se parents ko, ki parent ka educated parent, main maths ke bagair kya karega? Matlab ye pehla sentence hota hai, and it is so difficult to, like, one parent belong to business class family. Ma'am, mera business ho sambhali. Maine kaha sir CA rakh lega. Let him learn something else, you know, how to manage a business rather than sitting down and calculating. So this girl, kyunki usne maths chhod diya, to bachche usse ab itna tang kar rahe hain ki you know, she's not a part of the group, anybody's group, because she doesn't do maths. So she has something, you know, some problem in the brain, according to them. किसी फिजिक्स के टीचर ने, साइंस के टीचर ने बोल दिया क्योंकि उसने एक क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल गलत सॉल्व कर दिया, तुमने मैथ छोड़ दिया, तुम साइंस क्यों नहीं छोड़ देती? तो लाइक दिस गर्ल इज रियली स्ट्रगलिंग, और ड्यूरिंग हिज वेकेशंस आल्सो, मतलब कि उस बच्चे से मुझे मिलना पड़ रहा है कि नहीं, तुम्हें जो तुम कर सकती हो वो तो एटलीस्ट करो, जितना भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो व्हाटएवर यू कैन डू, क्योंकि हमारे सिस्टम में ये है कि आपको साइंस करना तो पूरा ही करना है, यू कैन नॉट ड्रॉप फिजिक्स. सो सेल्फ एस्टीम इतना ज्यादा लो हो जाता है क्योंकि बाकी लोग समझते हैं कि मैथ्स नहीं कर सकते तो दिमाग में कोई प्रॉब्लम है, तो वो जो परफॉर्मेंस जो है वो और सब्जेक्ट्स में भी लो होती जाती है, और उसमें लो होती जाती है तो और सुनने को मिलता है, तो इट इज अ विशियस सर्कल. सो वी हैव टू सी कि हम बच्चों को एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, हम मैसेजेस कैसे दे रहे हैं, क्योंकि जो भी हम मैसेज देते हैं, चाहे हम अपनी फ्रेंड से बात कर रहे हैं, हम टीचर से बात कर रहे हैं, बट टीचर जो बच्चे होते हैं वो मैसेज को इंटरनलाइज कर लेते हैं. जैसे कि एक बच्चा, क्योंकि उसका रिपोर्ट में आ गया डिसकैल्कुलिया है, तो वो कुछ भी नहीं करेगा. डिसलेक्सिया है तो कुछ भी नहीं करेगा कि मुझे तो डिसलेक्सिया है, इफ आई डोंट डू इट्स ओके. तो एक देयर इज अ वेरी थिन लाइन. कई बार बच्चे इसका एडवांटेज भी लेना शुरू कर देते हैं, दे ट्राई टू स्किप एवरीथिंग कि मुझे तो ये प्रॉब्लम है तो मुझे आप राइटर भी दे दो क्योंकि मैं ठीक से लिख भी नहीं सकता हूँ और कैलकुलेशन तो मैं कर ही नहीं सकता, तो मुझे आप कैलकुलेटर भी अलाउ कर दो. तो वी हैव टू सी, ये भी मैंने बड़ा वो देखा है कि कई बार पेरेंट्स ज्यादा पुश भी नहीं करते, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं ज्यादा पुश भी नहीं करते कि अच्छा भी प्रैक्टिस कर लो मैथ्स की, मे बी यू विल बी एबल टू लर्न सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इट्स इजी टू एस्केप. तो वो उनको एस्केपिस्ट जो रूट है वो बहुत अच्छा लगता है. और कई पेरेंट्स सोचते हैं कि मैं देखो कितना अवेयर हूँ, कितना ओपन माइंडेड हूँ कि मैं अपने बच्चे को अलाउ कर रहा हूँ एक चीज छोड़ने को. बट वी हैव टू सी कि बच्चा कब मैथ्स छोड़ रहा है, जब उसने पूरा ट्राई कर लिया, या बस क्योंकि आप ही नहीं कर पा रहे, ट्यूटर भी कुछ नहीं कर पा रहा, सो इट्स इजी टू लीव मैथ्स एंड टेक सम अदर सब्जेक्ट. आई हैव सीन ऑल काइंड्स ऑफ केसेस. ओके, तो मुझे बोलना, माय ओन सन, आई गिव यू वन एग्जांपल, ही वाज नॉट गुड,
ऑल थैंक्स टू वन टीचर, उसका जब एक माइंड ब्लॉक हुआ मैथ्स में तो उसका माइंड ब्लॉक ही हो गया, मतलब कि ही कुड नेवर परफॉर्म वेल इन मैथ्स बिकॉज ऑफ वन टीचर. सो 9th या 10th की बात है, तो आई वाज सिटिंग ऑन हिज हेड, आई सेड नहीं मुझे अपना पेपर दिखाओ. बट अगेन जैसे मैंने बोला कि रॉन्ग आंसर्स तो करना चाहिए, कई बार मैथ्स टीचर भी ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर सकती. लाइक आई आस्क्ड हिज मैथ्स टीचर सो मेनी टाइम्स कि व्हाई इज ही नॉट एबल टू परफॉर्म, घर पे तो पूरा टेस्ट पेपर करके जाता है, स्कूल में वही 60% कैसे, मतलब समझ नहीं आया मुझे. तो पेपर नहीं दिखाया, मैंने पूरा पेपर देखा. जब मैंने पेपर देखा तो मैंने देखा कि जो फाइल है वो थोड़ा अजीब सा लिखा हुआ है, जो प्लस साइन है वो इतना छोटा सा कि मतलब मेरे से ही नहीं पढ़ा जा रहा कि प्लस है माइनस है मल्टीप्लीकेशन है. सो देन आई सैट ऑन हिज हेड, आई सेड यू डू प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ मी, आई मेड हिम राइट बिगर वर्ड्स. बच्चे आप लोग भी जो अपना मैथ्स का पेपर करते हो उस पर ध्यान देना, बहुत छोटी सी बात मैंने उसमें देखी. उसने उससे मैंने जबरदस्ती थोड़ा बड़ा लिखाना शुरू किया क्लियरली, और साइंस भी थोड़े बड़े लगाने शुरू किए, उसका एकदम से मार्क्स इंक्रीज हो गया. बिकॉज़ दैट वाज द मेन प्रॉब्लम. आई गिव यू अ स्टोरी फॉर फ्यूचर थिंग्स. माय यंगर सिस्टर, आई हैव टू यंगर सिस्टर्स, दोनों बहुत बढ़िया वन इज इन साइंस, काइंड ऑफ साइंटिस्ट रिसर्च स्कॉलर, एंड द अदर हैज बीन अ एमबीए टीचर फॉर लाइक मार्केटिंग एंड इकोनॉमिक्स. सो मैंने उसको बोला कि दीपा तूने मैथ्स क्यों नहीं करा, मैथ्स करती तो तू बहुत और भी ज्यादा अच्छा कर सकती. एंड शी सेड जस्ट बिकॉज ऑफ यू, यू वाज स्कोल्डिंग मी ऑल द टाइम फॉर मैथ्स. तो मैंने कहा यार मैं क्यों करा था. देन आई रियलाइज मेरे को वो सब चीज इतनी आसान लगती थी. मैंने कहा यार हुआ व्हाई कैन यू डू दैट, एंड शी वाज लाइक मेरे को समझ में आया उस वक्त के बाद कि यार स्कोल्डिंग इज वेरी बैड. हां क्योंकि बच्चे एसोसिएशंस बना लेते हैं. Like my own son and other kids, I have seen jo parents kai baar kehte ki ghar pe dhang se nahi karta, ghar pe dhang se nahi karta kyunki test agar practice ghar pe karega to har question pe scolding milegi ki tumne ye nahi kiya, ye step miss kar diya. To maths means scolding, to isliye better to avoid maths. Right. To isliye wo kehte hai ki hum ek hi baar in school mein hi kar lenge, exam mein ek hi baar dhang padegi, exam mein jaisa bhi likhenge ghar mein nahi padegi. They start reading maths, they don't practice, then they start reading, which won't help. I am again going back to my own son's example. Abhi when we was preparing for SAT, to pehle BBA ka hum option dekh rahe the. Aapko pata nahi mera maths acha nahi hai, kaise main BBA le sakta hu. Bahut samjhaya, acha chalo ji maths ka option close kar diya fir humne. Fir hum SAT pe aaye. SAT bhi nahi de sakta main kyunki usme maths hai. But bhai 10th class ka maths hai, thoda sa practice karo. First practice test kiya 450 on 700 800. Dekha maine aapko kaha tha na I cannot do. I said no you can do. तुम करो इसको करो, मतलब पीछे पढ़ पढ़ के अभी 15 days because he practically used to read maths. वो practice नहीं करना क्योंकि हर बात पे मामा फिर बोल देगी, क्योंकि मामा इसे मामा वहाँ पे तो हम constantly भूल जाते हैं. तो his score yesterday could rose up to 740 on 800 which according to me was very good. Very nice. तो कई बार हम ऐसे ही करते हैं बच्चे कि क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, कहते हैं क्वेश्चन तो कर ही लिया है, फॉर्मूला तो मुझे आता ही है मैं कर लूंगा, है ना. तो लेकिन उसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है. और कई बार क्या होता है जब घर में हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जो हमारे ट्यूटर पढ़ा रहा है या कोई हमारी मामा पढ़ा रही है पापा पढ़ा रहे हैं, बता देते हैं अरे कल तो बताया था वही वाला मेथड लगेगा, ओ ठीक है ठीक है, और आप घर पे फटाफट से अच्छे से कर लेते हो. स्कूल में जाते हो वही क्वेश्चन आप गलत कर लेते हो, हाँ या सिमिलर क्वेश्चन गलत कर लेते हो. क्यों? क्योंकि वहाँ टीचर तो जब राउंड लगा रहा तो टीचर तो नहीं बताएगा कि आपने कुछ गलत किया, और आपका माइंड वहां पे डिपेंडेंट हो गया कि आफ्टर एवरी स्टेप आपको किसी से पूछना है मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं. स्कूल में तो वो एग्जाम के टाइम पे नहीं होगा. तो घर पे भी जब आप प्रैक्टिस करते हो, आप ये देखो कि मेरे पास 10 क्वेश्चन है, मुझे आधे घंटे में खत्म करने हैं, दैट्स इट. आपको अलार्म लगा दो अपनी घड़ी में और कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपको आता है नहीं आता किसी से भी पूछो नहीं कि मैं ठीक कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, सिर्फ उसको कर दो. और जब पूरा पेपर आपके 10-15 क्वेश्चन का वो एग्जाम हो जाए घर पर, उसके बाद उसे चेक करो. सिर्फ इतनी सी चीज से भी जो आपकी जो जो आपकी ब्रेन की जो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस है कि मुझे हर स्टेप पे कोई बताया कि मैं ठीक कर रहा हूँ ना, मैं ठीक कर रहा हूँ ना, वो खत्म हो जाएगा. क्योंकि स्कूल में वो एग्जाम के टाइम में हेल्प नहीं मिलती, इसलिए आप वो कर भी नहीं पाते, क्योंकि हमेशा डाउट रहता है, और जहाँ पे आपको डाउट क्रिएट होगा आपका माइंड वही डिस्ट्रैक्ट होगा. Right? I think I should stop as well. I would like to ask you, when you are saying this dependence thing, I find it very interesting. Actually, it is with many people.
what do you suggest should be done if it is beyond memory? Something for any subject. For any subject, what I have seen that actually students' marks are increased like anything. क्योंकि घर पे वो कोई भी सब्जेक्ट कर रहे होंगे ना सर एसएसटी जॉब में आई एम टेलिंग यू एग्जैक्ट इशू आई सेड टू दैट गर्ल ऑन दैट डे यू नो यू रीड फ्रॉम हियर टू हियर कंप्लीट एंड शी सेड कैन आई डू दिस लाइक आई रीड वन पैराग्राफ आई टेल यू द अदर पैराग्राफ आई टेल यू द थर्ड पैराग्राफ आई सेड नो यू हैव टू डू इट कंप्लीट नो दैट्स अ गुड स्ट्रेटजी सी ऑल ऑफ अस प्रोसेस द इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट अब कुछ लोग होते हैं कि जब वो चैप्टर करने बैठते हैं ये बच्चे अपने साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब वो चैप्टर करने बैठते हैं पहले पेजों को पलट के देखते हैं कितने पेजेस का चैप्टर है कितने वो करते हैं अच्छा 10 पेजेस हैं अच्छा 10 पेजेस में अच्छा कितने टॉपिक्स करने हैं मुझे अच्छा चलो पहले ये टॉपिक कर लेते हैं फिर ये टॉपिक कर लेंगे फिर ये टॉपिक कर लेंगे कुछ लोग ऐसे करते हैं सो दे गो फ्रॉम द होल इंफॉर्मेशन टू माइन्यूट डिटेल्स कुछ लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि वो पहले से पढ़ना शुरू कर देते हैं वो देखते ही नहीं कितने पेजेस का चैप्टर है ऐसे भी है कुछ लोग नहीं बस वो हमने पढ़ना शुरू कर दिया फर्स्ट टॉपिक से जितने मर्जी पेजेस हो हमने पढ़ना है सो एवरीबॉडी इज डिफरेंट तो जब आप इफ दैट पर्टिकुलर गर्ल अगर वो पूरी इंफॉर्मेशन को डिफरेंट यूनिट्स में या पर पैराग्राफ अगर करना चाहती है व्हाट इज हार्ड इन दैट इज एक्चुअली गुड क्योंकि अगर आप हर पैराग्राफ पर आपने अलग से कर लिया उसके बाद उसे इंटीग्रेट किया तो जो इंटीग्रेट करके जो एसोसिएशंस बना के लोग इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं वो उसकी मेमोरी हमेशा लॉन्गर होती है एंड दैट इज मोर डीपर बट आई सी हियर देयर वाज एन इशू विद कॉम्पिटेंस यू नो शी वाज नॉट रेडी टू कंज्यूम मोर इंफॉर्मेशन शी वाज हैप्पी टू कंज्यूम वन डिलीवर इट एंड देन नॉट गोइंग बैक जस्ट द नेक्स्ट वन सो वी कैन चेंज द स्ट्रेटजी At the same time, if you give her some task which is so challenging, which she cannot accomplish, so she will be, you know, demotivated to do it. Instead, give her a little bit so that she achieves the success and then you know, she will get her motivation ki theek hai main kar sakti. So the best is ki wo ek paragraph usne kiya, dusra paragraph kiya, usko pehla bhi bata do, dusra bhi bata do. Phir teesre pe aa jao, acha pehla bhi bata do, dusra bhi bata do, teesra bhi bata do. So that way usko lagega ki haan, I'm at ease. So next time maybe she will not waste time in doing per paragraph, she will do at one. मैंने एक वो भी point लिखा था कि कई बार ये होता है सर जैसे maths में भी होता है class 9-10 की मैंने बच्चों को देखा है कि वो आर के अग्रवाल उठा के बैठ जाते हैं सब इसमें से पढ़ते हैं मनजीत सिंह आर के अग्रवाल और भी पता नहीं कौन कौन से हाँ क्योंकि सब पढ़ रहे हैं तो मुझे भी वो मोटी सी बुक उठा के पढ़ना ये पहले बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझो So if she wants to do the basic one by one, that's okay. That's perfectly fine. All of us are different kinds of learners. Like उसने बोला कि algebra is a problem. जब आप पढ़ते हो तो आपको charts, flowcharts ज़्यादा अच्छे से याद रहते हैं. She is a visual learner. जो visual learner होगा उसको geometry में कभी problem नहीं है. जो sequential learner होगा उसको algebra में कभी problem नहीं है.